नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। आतंकियों की घुसपैठ कराने की फिराक में पाक आर्मी अलर्ट पर भारतीय सेना। तनाव कम करना चाहते हैं भारत चीन, इस हफ्ते फिर हो सकती है बातचीत। पीएम से अधीर रंजन की मांग, रोजगार योजना में बंगाल हो शामिल। कोरोना ने बनाया संक्रमण का रिकॉर्ड, दुनिया में 24 घंटे में 1,83,000 केस। दिल्ली NCR में बारिश, नोएडा में सबसे बड़ी पुलिस चौकी और ACP दफ्तर में भरा पानी। दिल्ली में फिर बढ़े तेल के दाम, पेट्रोल 89.56 रुपए और डीजल 78.85 रुपए प्रति लीटर हुआ। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पूंछ में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग। मिजोरम के चंपाई में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.3 मापी गई। उर्जित पटेल आज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के चेयरमैन का पद संभालेंगे। महाराष्ट्र के थाने सेंट्रल जेल के 4 कांस्टेबल कोरोना वायरस से संक्रमित। कोरोना वायरस का कहर, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का आयोजन रद्द। विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़त बरकरार, लगातार दूसरी बार 500 अरब डॉलर के पार। चीन के चोंगकिंग सिटी में 8 बच्चों की डूबकर मौत, फू नदी में एक बच्चे को बचाने गए थे 7 बच्चे। अभिषेक बच्चन की सीरीज ब्रीद इनटू द शैडोज का टीजर हुआ रिलीज। फादर्स डे पर अमिताभ बच्चन, अजय देवगन से लेकर ट्विंकल खन्ना, सेलेब्स ने इमोशनल नोट लिखकर किया फादर्स को याद। ट्रोलिंग से परेशान सोनाक्षी सिन्हा ने डीएक्टिवेट किया ट्विटर अकाउंट, कहा आग लगे बस्ती में मैं अपनी मस्ती में। सोनाक्षी सिन्हा के बाद साकिब सलीम, आयुष शर्मा और जहीर इकबाल ने डीएक्टिवेट किया ट्विटर अकाउंट। फैंस ने रिया चक्रवर्ती पर सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया, बिहार में केस दर्ज। अभय देओल के बाद शिल्पा शिंदे, अब नेपोटिज्म और भेदभाव पर उठाई आवाज, कहा मैं ये सब झेल चुकी हूँ। बकनर ने 11 साल बाद रिटायरमेंट के, माना कि सचिन को 2 बार गलत आउट दिया था। स्टार्क ने IPL नहीं खेल पाने के कारण बीमा कंपनी से 11.5 करोड़ हर्जाना मांगा। IPL पर सस्पेंस, वार्नर ने कहा यदि T20 वर्ल्ड कप टलने पर उसकी जगह पर IPL होता है तो सभी ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर खेलने को तैयार है। साउथ अफ्रीका बोर्ड ने 27 जून को होने वाला सॉलिडेटरी कप टाला। स्टीव स्मिथ ने कहा कि कोहली रुकने वाला नहीं, उसमें रनों की भूख है, हम भी कई रिकॉर्ड तोड़ते हुए देखेंगे। अफरीदी के बाद बांग्लादेश के पूर्व कप्तान मुर्तजा की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव।